तो यहाँ पे भारत देश का सबसे जहरीला सांप प्लेट के नीचे बैठा हुआ, प्लेट काफी भारी भरकम है और अभी आप देख सकते हैं ये आस्ते आस्ते अपने मुंह में भारत देश का सबसे जहरीले सांप का रेस्क्यू करने के लिए मुंगेर आए हुए हैं। कौन कौन किए थे सर जी? हम किए थे सर। क्या नाम है आपका? बबलू यादव। जी मेरा नाम बबलू यादव है। क्या नाम है सर आपका? बबलू यादव। ये कौन सा जगह है? ये गायत्री नगर है। ये गायत्री नगर एक दूसरा ब्रह्म स्थान जी दोस्तों, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है ये। और यहाँ पे क्या भारत देश का सबसे जहरीला सांप घर से बाहर निकला था ये जी। हम खाना खा रहे थे, मेरे बगल से क्रॉस किया सर ये। जब ही पत्थर देना क्या तो यहाँ पे भारत देश का सबसे जहरीला सांप प्लेट के नीचे बैठा हुआ, प्लेट काफी भारी भरकम है और अभी आप देख सकते हैं ये आस्ते आस्ते अपने मुंह में आ रहा है। देखा ये नीचे की ओर उतर चुका है, दिख रहा है दोस्तों काफी खतरनाक सांप होता है ये। दिखाइए हमारे दर्शकों को, यही है मौत का सौदागर जो कि रात में निकल के सोते हुए इंसानों को बिस्तर पे चढ़ काट लेता है दोस्तों। और ये पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। तो दोस्तों यही है भारत देश का सबसे जहरीला सांप घोड़कर है सांप, इसी को साइलेंट किलर कहते हैं हम लोग। यही एक ऐसा सांप है जो कि बिस्तर पे चढ़ के इंसान को काट लिया करते हैं। जितने भी जहरीला सांप होता है ना, सबसे छोटा विष दंत इसी सांप का होता है और इसका जीभ गुलाबी होता है। और ये एक ऐसा सांप है जो कि रात में निकलना पसंद करते हैं। रूम के अंदर था क्या ये? गली से आया, पापा के बगल से होके गया, खिड़की में जाकर करता कर रहा था। दोस्तों यहाँ के लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि सेवा करने का हमें मौका दिए हैं। और दोस्तों हमारा सेवा 24 घंटा होता है, इसका फन नहीं होता है। वो जो नाग सांप जो बोलते हैं, नाक हम लोग जिसको नाग सांप बोलते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है ये सांप। नाम क्या है? घोड़कर है, भारत देश का सबसे जहरीला सांप। हाँ घोड़कर सब एक ही है। तो दोस्तों वीडियो देख के कॉपी नहीं करना है, एक भी मौका मिलता तो ये तुरंत काट लेता। तो चलिए चलते हैं। जय जय भारत। दोस्तों रात के वक्त निकलने वाला सांप यही है, भारत देश का सबसे जहरीला सांप। आप लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। ये सांप अगर घर के अंदर घुस जाती है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने नज़दीकी किसी स्नेक रेस्क्यू को कॉल करके बुलाइए और इस स्नेक का रेस्क्यू करवाइए, नहीं तो फिर आप अपने फॉरेस्ट विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए इसे यहाँ रिलीज़ कर देते हैं।
देखिए, तो ये सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है, आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए चलते हैं।